250 एकड़ पर मुहित लाहौर जू सफारी शायकीन की तवज्जो का अहम मरकज है, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ ही जू सफारी में शायकीन की तादाद ना होने के बराबर रह गई है। शायकीन का कहना है कि जू सफारी में पीने के लिए साफ और ठंडा पानी दस्तियाब नहीं, कोई सायादार जगह भी नहीं है। ऐसे में तपती धूप में कोई यहाँ का रुख क्यों करेगा। शायकीन का कहना है कि जू सफारी तफरीही मकाम कम और बियाबान ज्यादा लगता है और यहाँ सिक्योरिटी का भी मुनासिब इंतजाम नहीं है। इंतजाम अच्छे नहीं है यहाँ, ना पानी का इंतज़ाम सही है, ना बैठने के लिए, और यहाँ ना यहाँ लोग ना होने के बराबर हैं। गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं आसपास हमारे शेड्स नहीं है। अगर लोग अपनी फैमिली के साथ भी आते हैं तो दे नॉट हैव एनी प्लेस टू सिट अवे, ठीक है। साथ साथ ये है कि यहाँ पे पानी का इंतजाम कोई नहीं है, ठीक है। लोग गर्मी में आते हैं तो पानी पीने के लिए उनको अवेलेबल नहीं है। शायकीन की शिकायत के बारे में इंतजामिया का मौकफ जाने की कोशिश की गई तो कोई जिम्मेदार अपने दफ्तर में मौजूद नहीं मिला। जराये के मुताबिक जू सफारी में एक हफ्ते के दौरान औसतन 15 से 20 हजार अफराद आते हैं, लेकिन ये तादाद बहुत कम हो गई है और हफ्ते की मजमूई आमदनी 2.5 लाख से कम होकर सिर्फ 1 लाख रह गई है। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ एमन ताहिर, सिटी 42।